वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो टर्जर रीमा इज एक्चुअली अ पोइटिक फॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ टर्ट जैसे मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में गाइड किया हुआ है कि टेसर्ट इज एक्चुअली थ्री लाइन स्टंजा यानी कि पोम में या कहीं भी अगर आप थ्री लाइन फॉर्म देख लेते हैं अगर आप थ्री लाइन स्टंजा देख लेते हैं किसी फॉर्म में तो इट मीन आर दिस इज ट और टर्स रीमा जो है वो भी टर्सट पे ही कंसिस्ट कर रहा होता है लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक राइम स्पी, राइमिंग स्कीम ठीक है इसमें एक राइमिंग स्कीम होती है और वही थ्रू आउट द फॉर्म फॉलो की जा रही होती है द राइमिंग सीम फॉलोज एन इंटरलॉक पैटर्न वेयर द सेकेंड लाइन ऑफ ईच टर्ट लाइन विद द फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ द

पे जो राइमिंग स्कीम होगी टर्जा रीमा की वो है ए बी ए बी सी बी सी डी सी यानी कि इस तरह का ये पैटर्न जो है वो पोम का सारा राइमिंग स्कीम फॉलो कर रही होगी पहले तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग थी जो कि वेस्टलैंड ली गई है जो कि टी एस एलियट इसके पॉइंट हैं। तो हु इज द थर्ड आई काउंट देयर आर ओनली यू एंड आई टूगेदर बट वैन आई लुक ऑफ वाइट रोड There is always another one walking beside you, gliding wrapped in a brown mantle, who did I do not know whether a man or a woman. But who is that one on the other side of you? सो so दीज़ uh, examples are showing that it is Tarza Miza मिर्जा uh, Tarza Rima in a different poetic context जो ke interlocking rhyming scheme ko को uh, जो है वो define कर रहा है और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें सेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी है यानी कि फर्स्ट टेंजा की जो लाइन्स हैं वो ला नेक्स्ट uh, टेंजा की लाइन्स के साथ ट्राइम कर रही हैं और थ्रू आउट यही रैमिंग uh, जो है वो आपको नज़र आएगी तो ये आ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइज़ी का सा कंसेप्ट है इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट